हेलो फ्रेंड्स, अलका किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ कड़ा प्रसाद की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हम गुरुद्वारे जाएं और कड़ा प्रसाद जब मिलता है तो इसकी खुशी अलग ही मिलती है। तो चलिए बनाते हैं कड़ा प्रसाद। कड़ा प्रसाद बनाने के लिए हमने लिया है ये आधा कटोरी घी और इतनी ही मात्रा में आधी कटोरी ही हमने गेहूं का आटा लिया है। और अब हम इसको भूनना शुरू करते हैं। इसको हम धीमी आंच पर भूनेंगे ताकि ये कच्ची भी ना रहे और अंदर से अच्छे से भून भी जाए। फ्रेंड्स, जब भी हम कड़ा प्रसाद बनाते हैं तो या हलवा भी बनाएं तो हमें लगातार चलाते रहना चाहिए, जिससे कि ये नीचे लगे नहीं और जले नहीं। और जब भी हम हलवा बनाएं या कड़ा प्रसाद बनाएं तो सबसे ज़रूरी बात कि हमें थोड़ा ज़्यादा भुनना होता है। पानी डालने से पहले इसका रंग पूरी तरह से लाल होना चाहिए, क्योंकि पानी डालने के बाद रंग थोड़ा सा बदल जाता है, सफ़ेद आज हो जाता है, तो जिससे हमें कई बार लगता है कि अच्छा नहीं बना, वाइट सफ़ेद सफ़ेद क्यों हो गया ये। इसलिए हम इसको अच्छे से भुनेंगे। दोस्तों देखिए, अब ये पूरी तरह से भुन चुका है, पूरी तरह से लाल हो चुका है। अब हम इसमें जितना हमने आटा और जितनी हमने इसमें घी डाला था उतनी ही चीनी डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे और तीन गुना पानी डालेंगे। और जल्दी से हिलाते रहेंगे ताकि इसमें गांठें नहीं पड़े। जल्दी जल्दी हिलाएंगे। इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डलता, क्योंकि ये प्रसाद होता है, इसमें गुरुद्वारे में ऐसे ही बनाया जाता है और इसमें हम बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डालते। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से बिल्कुल तैयार हो चुका है। जब ये कढ़ाई पे बिल्कुल भी ना चिपके, बिल्कुल कढ़ाई देखिए ऐसे हम हिला रहे हैं तो ये बिल्कुल साफ़ लग रही है, तो इसका मतलब हमारा कड़ा प्रसाद बनकर तैयार है भोग के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।